नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 309 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा देश का प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है और कोरोना जैसे संकट काल में आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को काम देने के ऊपर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को हमेशा बढ़ावा दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। उससे हरियाणा को बहुत लाभ मिलेगा और हरियाणा में मनरेगा के कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ एक वेब पर पोर्टल पर बनाया जाए जिसमें प्रदेश के हर ग्राम पंचायत का ब्यौरा हो। वहां विभिन्न विभागों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, इसके अलावा जो कार्य प्रगति पर हैं उनकी भी जानकारी पोर्टल पर दी जानी चाहिए ताकि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति इन कार्यों में जानकारी प्राप्त कर सके और रोजगार हासिल कर सके। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।